नमस्ते। आज हम बनाएंगे कुछ नए स्वाद में नए तरीके से गेहूं के आटे की और टोमेटो फ्लेवर की चकली, कुछ नए स्वाद में नए तरीके से बहुत ही टेस्टी और झटपट बड़े सरल तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर ले ली हूँ, उसमें डालूँगी मैं एक ग्लास पानी और रखूँगी उसके अंदर एक जाली। और मैंने लिया है 5 टमाटर, मीडियम टमाटर है, ना बहुत बड़ा है ना छोटा। वज़न में ये 300 ग्राम होगा। जितना हमारा टमाटर रहेगा उतना ही हमारा आटा भी रहेगा। तो ये टमाटर के ऊपर वाले भाग का को मैं काट दूँगी और सारे टमाटर को पहले जाली के ऊपर मैं रख दूँगी। इसे पांचों टमाटर को ये ध्यान में रखिए, टोमेटो की चकली अगर चटपटी बनानी है तो जितना टमाटर है उतना ही आटा लीजिए। अब मैं ऊपर से डाल दी हूँ एक सफ़ेद कपड़ा, मैंने रुमाल लिया है, कपड़ा साफ़ रहना चाहिए ताकि कलर न जाए। और 300 ग्राम वही वज़न में हमारा ये आटा है, इसे मैंने अच्छी तरह से चालन से चाल लिया है। अब सारा आटे को मैं रुमाल में डाल करके अब मैं इस रुमाल को अच्छे से बांध दूँगी और उसी टमाटर के ऊपर मैं इसे रख दूँगी। आप चाहिए तो टमाटर अलग उबालिए, आटे को अलग उबालिए, या दोनों साथ में। गैस कुकर को बंद कर दी हूँ और गैस चालू करके मैं इसे 4 सीटी फर्स्ट आंच पे लगाऊंगी। 4 सीटी लग गई है। अब कुकर ठंडा हो गया तो मैं इसे खोल के देखूंगी। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा बाफ निकल जाए फिर हम देखेंगे। इसे अलग अलग दोनों करूंगी। आटे की पोटली को मैं बाहर निकालूंगी और टोमेटो भी अच्छे से पक गया है, इसका छिलका मैं निकाल लूँगी और इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए। अदरक खुनने वाला खलबट्टा जो होता है तो मैंने बट्टे से इसे अच्छे से, या बेलन ले लीजिए, इसे चार गठरी बंद ही इसे हम पीट देंगे ताकि जब आटा बाफ से पकता है तो ठीक हो जाता है बहुत ज़्यादा। उसे तोड़ देंगी तो चालने में आसानी हो जाएगी। अभी आटा गर्म ही है, आसानी से एक बड़ा बर्तन और चालन ले ली हूँ। अब उसे मैं चाल लूँगी अच्छे से। बाप से जब एक बार आटा पक जाता है तो बहुत ही क्रिस्प कुरकुरी चकली होती है, और ऐसा कि एकदम बहुत कड़क नहीं होती चकली और न बहुत ज़्यादा मुलायम ही, बहुत कुरकुरी, इतनी अच्छी चकली होती है कि इसे बूढ़े भी खा सकते हैं। चाल लिया है मैंने। अब मैं पीसूंगी टमाटर, तो टमाटर को मिक्सर का भांडा ले ली हूँ और उसमें सारे टमाटर को मैं निकाल के डाल दूंगी। पानी जो कुकर में है उसे हमें फेंकना नहीं है, बाद में वो टमाटर पीसने के बाद मैं वो पानी डाल दूंगी उसमें। एक ग्लास ही उबालते समय सिर्फ पानी डालें अंदाज से। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर भी बहुत सुंदर आता है और तीखा थोड़ा कम होता है तो चटपटा होता है। और इसमें डालूंगी 1 चम्मच चीनी, डाल करके इसे मैं मिक्सर में अच्छे से बारीकी से एकदम पीस लूँगी। बहुत एकदम बारीक हमें पीसना है इस टमाटर के, एकदम सॉस के जैसे एकदम पीस जाए अच्छे से। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और एकदम बारीकी से मैंने ये पीस लिया है। और जो पानी बचा है कुकर में वो सारा पानी मैं इसी टमेटो में डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब हम आटा गूंथेंगे चकली का। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालूंगी और स्वाद अनुसार नमक। 2 चम्मच तिल मैंने डाला है, तिल आप जो काला तिल भी इसमें डाल सकती हैं और सफ़ेद तिल भी। तिल चकली में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अजवाइन टोमेटो फ्लेवर में मत डालिए, अजवाइन चकली में बहुत अच्छा लगता है लेकिन टोमेटो फ्लेवर में उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं होगा। 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ, स्वाद अनुसार नमक। इसे डाल करके अब मैं इसे मिक्स करूँगी। हाथ से हमें मिक्स करना है दोनों ही चीज़। मैंने आटा को चाल लिया है, वो भी ठंडा हो गया है, टमाटर भी ठंडा होने के बाद ही मैंने पीसा है। इससे पहले अच्छे से जीरा तेल नमक सब इसे मैं मिक्स करूँगी। अब मैं टमाटर जो मैंने पेस्ट बनाया है
अब उसे डाल करके उसी से मैं सारे आटे को मीडियम आटा मुझे गूँथ लेना है, न बहुत टाइट ही हमें आटा गूँथना है और न बहुत ढीला ही मुलायम गूँथना है, मीडियम रोटी की तरह मैं आटे को गूँथ लूँगी। इसे डाल करके मैं थोड़ा अंदाज से दोनों चीज़ बराबर लेंगी, न कम होगा और न ज़्यादा, परफेक्ट हमारा आटा गूँथ के ये तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम टोमेटो का पेस्ट डालते जाऊंगी और गूँथती जाऊंगी। ये देखिए पूरा टोमेटो का पेस्ट लग गया है, कितना सुंदर कलर आया है। और थोड़ा सा तेल लगा के इसे हम चिकना करेंगे और ज़रा भी मैं इसे रेस्ट के लिए नहीं रखूंगी, तुरंत हम चकली बनाएंगे। गैस चालू करके ये मैंने चकली का साँचा लिया है और चकली बनाने वाला उसमें बहुत सारे प्लेट रहते हैं, सेव बनाने का चकली एक एक मैंने चकली वाला लिया है। बीच में इसे डाल करके थोड़ा सा तेल मैं पूरे चकली के साँचे में लगा दूंगी और इसे लगा करके अब मैं इसे बनाऊंगी चकली को। तो थोड़ा थोड़ा मीडियम में आटा थोड़ा थोड़ा लेकर के हाथ से लंबा करूंगी और इसमें जितना अटेगा उतना उतना आटा हम इसमें डालेंगे। अब इसे बंद करके पहले मैं चकली बनाती जाऊंगी। आप 10, 12, 15 चकली बना लीजिए फिर तलिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा चकली पहले बना लूँगी और गैस चालू करके मैंने तेल चढ़ा दिया है। तेल हमारा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम चकली बनाएंगे, अपनी छोटी बड़ी जैसे आपको पसंद हो। मैं तो 5 लाइन का चकली बनाती हूँ, न बहुत बड़ा ही रहता है न बहुत ही छोटा चकली रहता है, मीडियम में। और तलने में दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, कितना सुंदर कलर आया है। अभी फ्राई होने के बाद और भी सुंदर इसका कलर हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे चकली को बना लूँगी। ये देखिए एक साइज से जितना छोटा बड़ा आपको चाहिए। और बहुत ही टेस्टी ये चकली होती है। मैंने चकली को बना लिया है। एक बार टोमेटो फ्लेवर की भी चटनी गेहूँ के आटे में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी ये चकली होती है। और इसे महीने भर तक आराम से आप इसे एयर टाइट डब्बे में रखिए, आप खाइए। तो मैं तेल गर्म हो गया है, गैस को फास्ट आँच पे ही हमें चकली को तलना है। डाल करके मैं जैसे ही बुलबुले कम हो जाएंगे मैं अभी इसे पलट दूंगी। कितना सुंदर कलर आया है देख रहे हैं ना, उतना ही खाने में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आप भी इस दिवाली पे बनाइए खाइए। अगर आपको पसंद आया टोमेटो फ्लेवर और गेहूं के आटे की चकली तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपने रेसिपी का फ़ोटो खींचिए और इंस्टाग्राम फेसबुक पर हमारे साथ शेयर कीजिए। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया, सारी चकली को मैंने बना लिया। कितना खस्ता टूट रहा है ना खाने में, उतना ही कुरकुरा और चटपटा है। तो देर किस बात की, फटाफट बनाइए इस दिवाली पे गेहूं के आटे और टोमेटो फ्लेवर की चकली। इसके पहले मैं पालक की चकली बनाई है। रोज़ हमारी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोज़ देखिए कुछ अलग तरीके की इस दिवाली पे कुछ चटपटी कुछ मीठी रेसिपी। कल फिर लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। हैप्पी दिवाली।